मैं भारत सरकार से ये अपील करूंगा कि इस किताब को इग्नाइटेड माइंड्स बाय एपीजे कलाम, मैं भारत सरकार से ये अपील करूंगा कि इस किताब को स्कूल में 11th क्लास में कंपलसरी कर दिया जाए। अब ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, कलाम साहब ने इस बुक में जो हेडिंग दी है, हेडिंग पहली हेडिंग दी द ड्रीम एंड द मैसेज, हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। उनकी दूसरी हेडिंग है गिव अस अ रोल मॉडल। हमारा जो समाज है ना, समाज उसको पास जो रोल मॉडल है, जैसे आप यूरोप को देखो, यूरोप में आपकी पहचान किस पे है? नोबेल प्राइज पे। आपको नोबेल प्राइज मिल गया, आप यूरोप में सुपरस्टार हैं। तो यूरोप के एक बहुत बड़े तबके को नोबेल प्राइज पाने की का सपना है। पाकिस्तान में अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज मिला, पाकिस्तान में अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज मिला, मंगा दिया इनको। उस देश को तो बर्बाद होना ही है। फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर अब्दुल सलाम, तो सेकेंड हेडिंग में कहते हैं कि आपके पास जीवन में एक रोल मॉडल होना चाहिए, और इस रोल मॉडल में एक ट्रायंगल की बात करते हैं वो इस किताब में। कहते हैं ये ट्रायंगल बहुत जरूरी है जीवन में, पिता, फादर, मदर और टीचर। बोले ये ट्रायंगल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर महान है, किसकी वजह से? अपने गुरु की वजह से। कौन? दो गुरु हैं, एक डायनोसियस, एक अरिस्टोटल, दोनों गुरु हैं। डायनोसियस उसका स्पिरिचुअल गुरु है, दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर कहते हैं विजनरी टीचर्स एंड साइंटिस्ट। चौथी बात कहते हैं लर्निंग फ्रॉम सेंट्स एंड पीयर्स। ये बार बार मैं आपको बात कहता हूं कि सीखना किससे है जीवन में? पुरोहितों से, जिनकी खुद का जीवन फंसा हुआ है, जिनका खुद का जीवन उलझा हुआ है। सीखना किससे है? पुरोहितों से। लर्निंग फ्रॉम सेंट्स एंड सीयर्स। पांचवी हेडिंग है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। क्या बात है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है भगत सिंह। पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, द नॉलेज ऑफ सोसाइटी, गिविंग गेटिंग द फोर्सेस टुगेदर, बिल्डिंग अ न्यू स्टेट। सर ये किताब जो है ना, अब सवाल ये है कि ये जो आर्यन खान की समस्या है, ये आज हमारे देश के बहुसंख्यक युवा की समस्या है। मैं शाहरुख साहब को कुछ नहीं कहूंगा, मुझे एहसास है कि एक पिता होने के नाते अगर आपका बेटा, मेरे पर्सनल उनसे कोई मतभेद नहीं, वो किंग खान है बॉलीवुड के, मैं एक मामूली सा शिक्षक हूं, तो मेरा उनसे कोई मतभेद ही नहीं। मनभेद तो कोई है ही नहीं। कुछ बातें उनकी मुझे कभी कभी बहुत अच्छी भी लगी, जैसे उन्होंने एक बार, मैं सुन रहा था कि मेरे पिताजी ने कहा कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं, अपनी पत्नी की वो बड़ी इज्जत करते हैं और मतलब उन्हें हर तरह का सम्मान देते हैं। ये सब बातें उनकी बड़ी निराली हैं, बड़ी प्यारी हैं, भगवान उनको हमेशा खुश रखे। आज वो बड़े परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये एक ऐसा दौर है जब अगर उसका राजनीतिकरण ना करके इस समस्या के मूल में जाया जाए, मूल में, कि हमारे साथ बहुत सारे भाई बहन ऐसे जुड़े होंगे जो मध्यम वर्ग के हैं, जो आम घर के हैं, जिनके घर में व्यक्तिगत रूप से बहुत चुनौतियां होंगी। जैसे कलाम साहब के घर में पढ़ने का पैसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों के घर में पढ़ने का पैसा नहीं है। तो अब आर्यन खान से एक बात तो क्लियर हो गई, जो आज मैं अपने युवा भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं कि आर्यन खान की घटना से एक बात तो क्लियर हो गई कि धन से उत्थान का कुछ भी लेना देना नहीं है। यह बात क्लियर हो गई कि धन से उत्थान, कि मेरे पास पैसा होता तो मुझे पद्म विभूषण मिल जाता, तो मैं राष्ट्रपति बन जाता, तो मैं साइंटिस्ट बन जाता, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। एक बात तो एकदम स्पष्ट, जो आज हमारे देश के युवाओं को समझना चाहिए, यह बात एकदम स्पष्ट, साहब इनके पास किस चीज की कमी है? भगवान का इतना आशीर्वाद है इनके सर पर कि इनके पास सब कुछ है, और सब कुछ जैसे इनके पिताजी कहते हैं कि बहुत ही मात्रा में अपने पर्सनल जेट्स हैं और न जाने क्या क्या है। हमारे बॉलीवुड में एक मित्र है राज सिंह भाई, बड़े अच्छे इंसान है, और यदा कदा मेरी उनसे बात होती रहती है, और इन सब लोगों के करीब हैं वो, काफी करीब हैं, और मुलाकात होती है उनसे, कभी कभी बात होती है, और बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान। तो बताते हैं मुझे कि ऐसा है वैसा है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है, सुनता रहता हूं, ठीक है अच्छी बात। लेकिन ये बात तो स्पष्ट हो गई, देख मैं दोनों एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बड़े निराश होंगे कि यार हमारे पास पैसा होता ना, हम इनके पास है पैसा,
एक बात इस घटना से स्पष्ट हो गई कि धन का उत्थान से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो फिर किससे है? माइंड से। इग्नाइट करना है आपको अपने माइंड का। क्या ना किताब का नाम दिया है? इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स। एक्चुअली दुनिया में मैं इस पर बड़ी चर्चा कर चुका हूं, मन के विषय पर बड़ी चर्चा कर चुका हूं। मन, हमने तो मन को देखा, पश्चिम ने पढ़ा, उनके पास एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। हमने मन को देखा, हमने मन को जीता, भारत, उन्होंने मन को पढ़ा। और मन की एक बड़ी अच्छी संरचना है, वो कभी भी बदल जाता है। इसमें साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। एक जनरल नियम निकाले जा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो हर आदमी पर सटीक ही बैठे। मन, अब किडनी का अपना काम है, किडनी का अपना काम है, लीवर का अपना फंक्शन है, हार्ट का अपना फंक्शन है, पैनक्रियास का अपना फंक्शन है, इन सब का अपना फंक्शन है। तो मन का क्या फंक्शन है? मन का भी तो कोई फंक्शन होगा। तो मन का फंक्शन है सोचना। मन का भी फंक्शन है सोचना। अब कभी तुम एसी फर्स्ट क्लास में सफर करो ट्रेन की, और फिर तुम जनरल डिब्बे में सफर करो ट्रेन के, और तुम्हें यह पता चल जाएगा कि यह गरीब क्यों है और यह अमीर क्यों है। तुम एसी फर्स्ट क्लास में अपवाद दोनों जगह हो सकते हैं, अपवाद दोनों जगह हो सकते हैं। यहां तुम सफर करोगे, एक कंपार्टमेंट में चार आदमी, कोई मिंट पढ़ रहा है, कोई इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, कोई बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, और शायद ही कोई एक दूसरे से बात करे। शायद बहुत ज्यादा हुआ तो सुबह एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। बस बहुत ज्यादा हुआ तो सुबह एक दूसरे को मुस्कुरा दिया, और बहुत ज्यादा हुआ तो गुड मॉर्निंग बोल दिया। बाकी कोई किसी से बात नहीं करेगा। यहां सरस सलील पढ़ रहे हैं, मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं, 70 की सीटिंग में 700 लोग बैठे हुए हैं, चार पांच हाथ में एक सर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, गुटखा खा के बगल वाली की जेब में थूक दिए, और यहां गाड़ी चलने के पहले बात होती है, और चलते चलते सब एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाते हैं। वो जाति कोई भी हो, वो रिलेशन बना ही लेते हैं। अच्छा भैया आप सिवानी, भैया हम बगल में देवरिया के, भैया हम गोरखपुर के, भैया हम गोंडा के, भैया बहराइच के हैं, भैया हमारे एक मित्र हैं, मित्र तो कहना उचित नहीं है, हमारे साथ पढ़े हैं वो, तो सबसे पहली सरकारी नौकरी उन्हीं की लगी थी बैंक में। तो मेरी कुछ आदतें रही हैं शुरू से, कुछ बहुत बुरी रही हैं, कुछ बहुत अच्छी रही हैं, और कुछ उन बहुत अच्छी आदतों ने मेरा बड़ा भला किया, भगवान का आशीर्वाद बना रहा। तो उनकी नौकरी लगी सबसे पहले, तो यूएन का समझौता था कि जिसकी भी सरकारी नौकरी लगेगी या नौकरी लगेगी, वो सारा खर्चा जो एसेसरीज का खर्चा है वो वहन करेगा। तो वो हमारा खाने पीने वगैरह वगैरह का कभी कभी पार्टी वार्टी कर देते थे, वो ऐसा खर्चा चलता था। पता नहीं कहीं हो सकता बैठकर वो भी सुन रहे हो, या उन्हें कोई ना कोई भेज ही देगा। तो हम दिल्ली में थे, एक बार उन्होंने क्या किया, एक फिल्म की दो मूवी लिया है, दो एक मूवी की दो टिकट लिया है, किसी और को बुलाया था उन्होंने, जिसको बुलाया था वो आया नहीं, जिसको बुलाया था वो आया नहीं। तो वो किसी को ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए यार, तो एक टिकट बर्बाद नहीं होगा और ऐसा लग से चल जाएगा कि तुमको पिक्चर दिखाए। तो सौभाग्य से हम उनको मिल गए। तो उन्होंने हमसे कहा कि अवध भाई, हमने कहा हाँ, कहे मूवी देखने चलोगे? हम कहे चलो। कौन सी मूवी है? कहे हिस। हिस, ये कौन सी मूवी है? अरे वो मल्लिका शेरावत जी की एक मूवी आई थी, वो भी बड़ी अच्छी अदाकारा है मल्लिका शेरावत जी, तो उनकी मूवी थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि अवध चलो हिस देखा जाए। अच्छा, उन्हें क्या क्या थीम है मूवी की? अरे भले अवध थीम छोड़ो, मल्लिका शेरावत ने 17 किसिंग सीन दिए। अरे मैंने कहा भिगमंगे, हमने कहा तुम तो भिगमंगे रही गए जीवन भर, तुम्हारे बच्चे भी रहेंगे। कहावत औकात में होश में रह के बात करना, मैंने कहा भाग में। तुम सोचो किसिंग सीन टीवी पे चल रही है और तुम देख रहे हो और तुम करो मजा आ रहा है, तुम पागल हो। इस दोनों ग्रुप की सबसे बड़ी बात पता क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ये
करने वाली चीजों को सोचता है। प्रेम करना है, उस पर सोचना नहीं है, ये सोचता है, ये सोचने वाली चीजों को सोचते हैं। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्रेम करते हैं। तुम भी अपने मन को चेक करो, कहीं ये गलती तुम भी तो नहीं कर रहे। अपनी इसी गलतियों को चेक करने को ध्यान कहते हैं। शाहरुख खान साहब अगर अपने बच्चे को ध्यान कराते, उनके पास तो इतना पैसा था, इतनी सुविधाएं थी, इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी मूवियों में उन्होंने क्या मिस किया आर्यन को लेकर, उन्होंने क्या मिस किया आर्यन को लेकर, यही मिस किया। क्योंकि सारी सांसारिक सुविधा होने के बाद कोई आदमी अगर इन चीजों में इन्वॉल्व है, जिसके पास नहीं है वो इन्वॉल्व है, समझ में आता है, जिसके पास है जिसके पास है। पहला चीज तो ये, आपको मन को समझना है कि मन क्या है। मन एक विचार करने का शरीर में यंत्र है, जिसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि है कहां। मन का फंक्शन है सोचना। अब तुम अगर ये सोचना सोचोगे उससे, तो आप इसे यूज कर रहे हो उसको, तो आप उसको मिसयूज कर रहे हो। मैंने कहा ना कि खान साहब ने एक गलती की कि वो अपने बच्चे को ध्यान की विधा में नहीं ले जा पाए। अगर ध्यान की विधा में ले जाते तो शायद आर्यन खान कुछ और ही नाम करता, क्योंकि रोटी की चिंता उसे थी नहीं, कपड़े की चिंता उसे थी नहीं, खाने की चिंता उसे थी नहीं, उसे दुनिया में किसी चीज की चिंता नहीं है, उसे दुनिया में किसी भी चीज की चिंता नहीं है। और सबसे बड़ी चिंता तो यही है ना, एक लड़का आया मेरे पास अंकित शर्मा आजमगढ़ से, पता नहीं कहीं बैठकर वो भी सुन रहा हो, खाने को नहीं है सर, मुखर्जी नगर में एक बैंक में काम कर रहा है एटीएम में, लेकिन जज्बा लेकर आया आजमगढ़ से, कहा सर हम आपसे पैसा मांगने नहीं आए, हमने बुलाया उसको, मेरी फोन पर बात हुई, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आओ हमारे लायक जो, मैंने कहा लेकिन बेटा मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत हो ना। उसने कहा नहीं सर मैं पैसा मांगने आपसे नहीं आया हूं, बस एक दिन मेरे रहने की व्यवस्था करा दो दिल्ली में। तो हमारे शुक्ला जी हैं उन्हीं के साथ, मैंने कहा इन्हीं के साथ एक दो दिन रह लो, तुम अपना जॉब ढूंढ लो, कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सर, खाने को नहीं है सर। योगी है, ध्यानी है, तो शाहरुख खान साहब से अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच से कि खान साहब आपकी बॉलीवुड में पकड़ है, और सिनेमा एक बड़ा प्यारा माध्यम है संदेश को पहुंचाने का। भगवान आपकी मदद करे, आपके परिवार की मदद करे, आपके बेटे की मदद करे, कोई बहुत जघन्य अपराध नहीं किया उसने, यहां बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो हमें तो शाहरुख खान साहब से पूरी सिंपैथी है। हम प्रार्थना करेंगे कि आपका बेटा जल्दी बाहर आए और आप उसको वापस सही रास्ते पर लाएं, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप भारत की इस संस्कृति पर एक मूवी जरूर बनाएं, क्योंकि मूवी जैसे आपने माय नेम इज खान बनाया दुनिया को यह मैसेज देने के लिए, क्योंकि आपके साथ बदतमीजी हुई अमेरिका में, तो आपने दुनिया को एक मैसेज देने के लिए एक मूवी बनाई कि मुसलमान आतंकवादी नहीं है। हम मानते हैं सर, हम मानते हैं सर, हम बिल्कुल मानते हैं आपकी इस बात को। ऐसे अब मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आप एक मूवी और बनाइए भारत की संस्कृति पर, ध्यान पर, कि ध्यान वो विधा है। आपको स्क्रिप्ट की कमी पड़ेगी, मैं दूंगा आपको स्क्रिप्ट, कि ध्यान वो विधा है भारत की, वो ताकत है भारत की। ध्यान मतलब क्या, अपने विचारों को देखना, और जगर विचार घटिया है तो तुम राजा कैसे बनोगे मित्र। मन, आज एक बात पर चर्चा हुई कि धन से उत्थान का कुछ भी लेना देना नहीं है। आज मैं इतना ही लूंगा, कल इस सीरीज को जारी रखूंगा इग्नाइटेड माइंड्स, इसमें 3-4 लेक्चर होंगे लगातार। कल मैं आपको यह बताऊंगा कि मन के फीचर्स क्या है। कल मैं आपको दुनिया में 4 तरह के लोगों के बारे में बताऊंगा, उन चारों से अगर आप बच गए, उसमें एक शीर ध्वज है, उसमें एक मारीच है। कल मैं आपको बताऊंगा 4 लोग, वो 4 लोगों से, वो जो लोग आप कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो कल 4 लोगों के मैं नाम बताऊंगा आपको कि वो 4 कौन है, विधिवत नाम है उनका, और वो मन के पक्के साथी है। मन के फीचर्स क्या है, मन क्या है ये तो कोई नहीं बता पाया आज तक।
लेकिन मन के फीचर्स क्या हैं, बेसिक फीचर्स, बेसिक। कल मैं आपको ये बताऊंगा, कल मैं मन के चार मित्रों के बारे में बताऊंगा, कल मैं मन को साधने के बारे में आपको बताऊंगा, और कल मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहां को लगेगा कि विक्ट्री। जैसे मेरे बड़े सारे मित्र आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अभी 10 तारीख को पेपर था, साल भर अच्छी पढ़ाई की है, दो दिन पहले लगे नाचने, हमारा नहीं होगा। हाँ, तो जब तुम कह रहे हो तो नहीं होगा। महत्वाकांक्षा व्यक्तित्व का गेम है, नौकरी पढ़ाई का गेम है। पढ़ लोगे तो नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन महत्वाकांक्षा व्यक्तित्व का गेम है, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। जय हिंद।